भैया ईद मुबारक भैया। हाँ हाँ जी 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 वही अब भी शीर कुरमा खा लेके बैठा था जी। मैं कॉल करा था भैया आपको नमाज पढ़ते कि आपका फ़ोन बिजी आया था, मैं फिर बाद में था फ़ोन नहीं करा जी। जी भैया मैं शाम में घर को आता हूँ, मैं भी आयशा मिल के आते जी 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 जी। ठीक है भैया अल्लाह हाफिज़। हाँ खाली शीर कुरमा देखे अंदर चले गए, खाना दे रही नहीं कुछ भी नहीं, भूख लग रही जी। क्या कर रहे असली नो अंदर, क्या हुआ जी अंदर ही रह गए बाहर नहीं आ रहे। अंदर कोई भी नहीं है जी, मैं थी वो विदाउट मेकअप, अब थोड़ा मेकअप डाल लेके आई। वो तुम थे? हाँ कैसे दिख रही थी मैं? सेम शैतान के साथ दिख रही थी। आंटी आंटी कौन? अयो अभी चाहिए क्या? शीर कुमार नहीं बना अभी, दो घंटे रुक के आओ। आंटी मैं समीर का दोस्त था आंटी, मंग लेने वाला नहीं होता। अयो मैं मंग लेने वाला समझे ना बेटा, तुम्हारे को देख के माफी चाह रही। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको भी। आंटी समीर कहाँ है आंटी, मैं उसको ईद मिलने आया था। समीर? समीर को अब बीच हॉस्पिटल से लाए बेटा। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल के लिए आंटी? कमर का दर्द बोल के सो के उन्हें। ये उम्र में कहाँ का कमर दर्द आंटी उसको? क्या बोलूं बेटा, उन्हें ईद गाँव गया नमाज पढ़ने, नक्को नक्को बोल तो इन्फ्लुएंसर बनाना, लोग हम पूरे पहचान के आगे गले मिले। ईदगाह में नए नए बोले तो भी हजार लोग तो रहते, सबसे गले मिला या इन्हें बैगन में मिला। वही चांटी उसको सुबह से फोन भी कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा मेरे, अब इसलिए घर को आ गया मिल के जाएंगे ना बोल के। उठ नहीं बेटा, इतना तुम्हारा फोन का उठाएंगा उन्हें। सही है, ठीक है आंटी उसको बोलो मैं आके क्या बोल के मैं जा रहा हूँ। ठीक है और शीर खुरमा पी के जाओ तुम इधर। सानिया जी आप इधर नहीं लगा लिए, लगा लो यहाँ पे भी लगा लो। आपको ईद मिलने सब लोग आते ना, अच्छी खुशबू आती। ईद के लिए कुर्ता ये छे, कैसा दिख रहा हूँ? ओके ओके दिख रहे। मैं कैसे दिख रही? तुम भी ओके ओके दिख रहे। ओके ओके दिख रहे तो मैं शादी कर लिया। तुम तुम्हारे आंखों को बाहर रस वाले से उबला अच्छे दिखते मेरे सिवा, मैं अम्मी के घर गुजारी तुम नाको। शैतान रीइंस्टॉल्ड। अल्लाह आप इस मदद करना। वाह नमाज पढ़ लिया, शीर खुरमा खा लिया, बिरयानी भी खा लिया, हो गई मेरी ईद। अजय मैं सो जा रहा हूँ, मस्त नींद आ रही मेरे को, शाम तक ना कोठा मेरे को। अरे अरे अजी रोजे रह के सोते, ईद के दिन सोते, कोई तो भी ईद के दिन सोते जी। सो भी सोते, तुम्हारे से दम करने वाले नहीं रहते ना सबको। नहीं उतनी नींद कई को आती जी। वो क्या है कि जी महीने भर की नींद पूरी आज ईद के दिन ही चाहती, मैं जाके सो जा रहा हूँ, कुछ भी काम वाम नहीं है, मेरे को ना कोठा जी शाम तक तुम। हाँ काम नहीं है, मेरे अम्मी के घर को जाना ईद मिलने के लिए, चाचा के घर को जाना, पुप्पू के घर को जाना, मामा के घर को जाना, सहेलियों को मिलने का है, बाद में तुम्हारे तरफ वालों को मिलने का है। अरे वहाँ चाबियाँ हैं, स्कूटी लेके जाओ, जिससे भी मिलना है सबके पास जाके ईद मिलने के आओ तुम। कहाँ है तुम्हारा मरद बोल के पूछे तो? नहीं पूछते ना कैसा भी, अगर पूछे तो तबीयत खराब है बोल के बोलो। हाँ कई की तबीयत खराब है बोल तो क्या बोल रहा? अरे मोशन सो रहे बोलो जी। मोशन कहीं को हो रहे बोल तो क्या बोलना? तुम पकाए सो खा रहे हो ना रोज, इसलिए हो रहे बोलो। छी छी ईद के दिन हस्बैंड एंड वाइफ सबके घरों को जाके ईद मिल के आते, मेरे उनो है घर से बाहरिश नहीं निकलते, किसको भी नहीं मिलते। बुरखा पहन लेके जाओ जी। जरा लेट आओ, बहुत देर सो तुम। मैं हाउ जी शीर कुरमा मस्त बनाए, किसमिसा ज्यादा हो गया लेकिन मीठा था तुम्हारे जैसा।
पापा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। नमाज पढ़ा रहे, जुम्मा ने होता बोल के छोड़ दिया। ईद की नमाज छोड़ते पापा? फिर ईदगाह में नहीं दिखाना रे? वो लेट हो गए बोल के आयशा मस्जिद में पढ़ लिया था। ईद के दिन भी लेट इतरे? तीन किस्म के लोग रहते रहे। पहला किस्म रोज नमाज पढ़ते पांच वक्त की, दूसरा किस्म जुम्मा को पढ़े तो फिर जुम्मा ही, तीसरा किस्म इल्ला तो डेंजर, रमजान को दिखे तो बकरीद को दिखते, बकरीद को दिखे तो फिर रमजान को दिखते। तू कौन सा किस्म का? टाइप टू पापा। टाइप टू नहीं, टाइप वन बनना। इंशाल्लाह कोशिश तो जारी रहेंगी पापा। जा पापा। अजय इसको शीर कुरमा डालो, खा के सो जाता। ए शीर कुरमा ना करो पापा। यार ए दोस्त आ रहे, अजय बिरयानी बनाओ जबरदस्त, इसके दोस्त आके खा के जाते। ए नहीं जी। फिर क्या होना रे? वो ईद है ना, कुछ ईद ही मिलती क्या बोल के। ईद ही लास्ट ईयर दिया ना 100 रुपए। लास्ट ईयर दिए 100 साल तक रहती पापा। क्या बात कर रहा है? अब लास्ट ईयर तेरी मम्मी कैसी है? अभी भी वैसी छे। गैसे साल से मैं भी वैसी छू, थोड़ा मोटा हुआ समझ। तेरी बहन भी वैसी छे, तू भी आवारा जैसे घर में ऐसी छे। मर मैं दिए 100 ईद तेरे पास नहीं है कई को। ओ तुम करोड़ा नहीं दिए पापा, छुपाने 100 रुपए दिए, उस दिन ही चाय पिया तो खत्म हुई। वो 100 रुपए मेरे को करोड़ा का हिसाब ही रहे। दियो ना जी। वो कोले सो पैंट में 100 रुपए है, ले ले। 1000 रुपए तो दियो ना पापा। 1000 रुपए कई को? 1000 रुपए क्या कर रहा हूँ? 1000 रुपए लेना है तो ले 100 रुपए, नहीं तो 100 रुपए में 100 दे काम आते। तेरे बदल कुत्ते को पाल ले तो भी घर को सिक्योरिटी जैसा रहता रहे, तो क्या काम का है रे घर को? जा अंदर जाके सोया जा। ईदी होना कहते ईदी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी दिख रही मेरी बेटी। ईद मुबारक पापा। आपको भी ईद मुबारक बेटा। पापा वो ईदी, ईदी माल तेरे हाथ से मैं ATM को जाके पैसे ड्रा करके ला दे, 20,000 रुपए है। हाँ ले ले, कम पड़े तो बोल। हाँ शर्मा नको, मेरे पास ATM कार्ड है ना, ले लेके यूज कर ले। 2423। हाँ माशाल्लाह अच्छा दिख रहा ड्रेस, यही 2% लिया सर? हाँ पापा यही 6-5 हज़ार का ड्रेस। हेलो अजरा हॉस्पिटल, ये जेंडर चेंज कराने का प्रोसेस क्या है, कितने पैसे होते? अम्मी शीर खुरमा खा के मेरे को बहुत मद हो गया अम्मी, मैं नहीं आता मामा के पास, आप लग जाओ मैं थोड़ी देर से आता हूँ, और डोर लगा के जाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह का करम है। आपको ईद मुबारक। शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। शुक्रिया। आप कहीं को फोन करे जी, पूरा रमजान फोन नहीं करे ना, आप कहीं को याद है मैं? अरे रमजान में मेरे गोल फरिश्ते थे जी, अब मैं आजाद हो गया। ओ ऐसा। आपको एक बात मालूम, पूरा रमजान मैं तहज्जुद में उठ के अपने दोनों की शादी के लिए दुआ करा खास करके। हाउ स्वीट, ठीक है। अरे क्या जी, मैं अपने लिए इतने पूरे करा बोले तो तुम ठीक है बोल के बोल दे रहे। लाइट ले रहे क्या? 26 रोजा को हमारे घर में इफ्तार पार्टी हुआ, मामी और उनके बेटे आए हमारे घर को, तो क्या हुआ मालूम, हमारे मामी का बेटा एक गेम खेलेंगे बोला। मैं भी ठीक है बोली, एक अंगूठी दे के आपके उंगली को लगा लो बोला। वो अंगूठी उंगली को लगाया वरना अटक गया। वो सब लोग देख के मुबारक 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 बोल के मुंह मीठा करके रसम कर दिए। हाजी मैं आपसे 8 मिनट्स बात करी मालूम, कोई तो भी देखे तो अच्छा नहीं रहता ना भैया। आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते मेरे को मालूम, क्यों बोले तो मैं किसी और की हूँ ना, आई नो यू वेरी पर्सनली। और भैया 10 तारीख को मेरा शादी है, आप जरूर आना। नाजरीन इतने साल की रिलेशनशिप टाइटैनिक शिप हो गई, बीच में डूब गई। अम्मो ये फैन को देख तो अलग अलग ख्याल आ रहे क्या? अल्लाह तू ही मदद करना, जोहर का टाइम हो रहा, जाके नमाज पढ़ लेंगे, दिल बहलता। पापा ईद का चांद मुबारक। आपको भी मुबारक बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना, अच्छा रहना, खुश रहना, अच्छा कमाना बेटा, लाइफ देख लेना तू। पापा कल ईद है ना? हाँ
ईद का शीरकुरमा का सामान पूरे और बिरयानी के सामान पूरे मंडी बाजार से जाके ला ले, मैं तेरे को फोन पे कर देता हूँ, ठीक है? पापा, चाचा वालों के पास चल जाएंगे ना, मतलब वहाँ पे दादा दादी फूफू सो बात है। फरीद बुला लिए तो दादा दादी को बुला ले, सुना उसके घर को मैं नहीं आता हूँ, मेरे घर को नहीं आना, खत्म। पापा वहाँ गए तो सब मिल के रह सकते ईद के दिन। काई का मिलना रे, उससे क्या रे मैं मिलने का, उन्हें कितने बातें बोला मालूम, आज भी वो बातें दिल में है। तुम लोगों को क्या मालूम रे मेरा दिल कितना दुखा की, उन्हें मेरे बेटी को बोलता ते को बोलता बर्दाश्त कर सकता हूँ रे मैं, कितने बार मदद करा मानू उसको मैं मुश्किल वक्त में, ऐसा नहीं है उसको। अभी चाचा चाचा कहते कितने बातें बोला तेको, बुला ले तो दादी दादा को बुला ले, मैं तो मैं किधर भी आने वाला नहीं, तुम ले जाओ मैं अकेला घर पे रहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ पापा, आपके बीच में चाचा के बीच में जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ईद अपनों से नहीं पापा, अपनों से मनाई जाती है ना पापा। इतने दिन अपन भूख को बर्दाश्त करे, प्यास को बर्दाश्त करे, इससे अपन क्या सीखे ऐसा पापा। पापा मैं सुना बड़ों का हाथ सब में आगे रहता बोल के, तो माफ करने में क्यों नहीं रहता पापा। सारी दुनिया गर्मी से हार गई, लेकिन गर्मी रोजदारों से हार गए पापा। ऐसी पूरे पुराने बातें दिल में रख लेके, नफरत बढ़ा लेके लोग रिश्तों से हार जा रहे पापा। माफ कर दो ना पापा चाचा को। ठीक है, उन्हें मैं मेरा भाई बोल के अब भी नहीं समझा रहे, मेरे को बड़ा बेटे के जैसा देख लिया उसको मैं। ठीक है चाचा को फोन करके बोल। ठीक है पापा, हम सब आ रहे सब मिलकर चीत मनाएंगे, बोल दे। ठीक है पापा। पापा चाचा फोन कर रहे हैं। हेलो चाचा, सलाम अलैकुम, चांद मुबारक। बेटा जरा भैया है तो फोन देना रे, बात कर तुम, मैं कितने भी बार फोन करे तो फोन नहीं उठा रहे हो ना मेरा। फोन स्पीकर पे छे, बातें सुन रहे पापा आपके। भैया मैं गुस्से में क्या क्या कुछ बोल दिया आपको, मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा, माफ़ी चाह रहा हूँ भैया, माफ़ कर दो ना मेरे को, आप मेरे मुश्किल वक्त में मेरे को बहुत साथ दिए भैया, मेरे को उसका एहसान है, माफ़ कर दो भैया। भैया गाँव को आ जाना भैया, सब मिल के ईद मना लेंगे, मेरे को आपसे मिलना दिल बोल रहा। बच्चों को ले लेके गांव को, सब मिलके जो ईद मनाएंगे। दिल में नको रख लेता कुछ भी, मैं भी नहीं रख लेता, आ रहा हूँ ले। ठीक है चाचा, हम आ जाते। शुक्रिया पापा। एक शुक्रिया बोलना मेरे को, मेरा भाई को मिला।